नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान, नगर में जमकर हो रही है कालाबाजारी। विदिशा जिले के गंज बसौदा में डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान है। सरकारी दरों पर डीएपी खाद की उपलब्धता नहीं होने से किसानों को ब्लैक मार्केटिंग का सामना करना पड़ रहा है, जहां इसकी कीमत 1350 रुपए की जगह 1900 से 2100 रुपए प्रति बोरी तक पहुंच गई है। डीएपी खाद की कमी के कारण सरसों, गेहूं और अन्य फसलों की बुआई के लिए डीएपी खाद आवश्यक है। इसकी कमी से किसानों को फसलों की उत्पादकता में कमी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को लंबी कतारों में खड़े होने पर और तब भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों को लंबी कतारों में खड़ा होने पड़ रहा है और फिर भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है। कालाबाजारी का आरोप, स्थानीय अधिकारी और कर्मचारियों की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। किसानों को डीएपी खाद के बदले अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके अलावा खाद की गुणवत्ता भी खराब पाई गई है, जिससे फसलों की उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पारस ट्रेडर से खाद खरीदने का मामला, एक किसान ने पारस ट्रेडर से डीएपी खाद लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दो बोरी खाद के बदले 3800 रुपए चुकाने पड़े। जब उन्हें खाद की गुणवत्ता की जांच की तो पाया कि इसमें केवल 48 किलोग्राम ही वास्तविक खाद है, जबकि इसकी कीमत 50 किलोग्राम के हिसाब से ली गई थी। सर, ऑन द रिकॉर्ड एक किसान के पास फोन पे जिसने किया 3800 रुपए की दो बोरी खरीदी है, और आप यहाँ पर कहना कि ये बैग फ्री है, ये बोतल फ्री, उसको कुछ नहीं मिला है। अगर वो आपको सबूत मिलता है तो क्या करेंगे? अगर वो हमको यहाँ अभी आज खाद की काला बाजारी को देखते हुए किसान परेशान हो रहा है, सुबह से लाइन में लगे, आप आए, कार्रवाई क्या हुई? जैसे कि कलेक्टर महोदय को निर्देश मिले हैं कि विभिन्न क्षेत्रों से खाद की काला बाजारी की शिकायत आ रही है, उस संबंध में आज हम बासुदा में या पारस ट्रेडर्स दुकान पर निरीक्षण के लिए आए थे, जहाँ उपलब्ध किसानों ने बताया कि जो 1350 डीएपी की बोरी है उसको अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। जब अंदर विक्रेता से जानकारी ली और किसानों से भी चर्चा की, तो बोरी के साथ जो एक सल्फेट का पैकेट है उसका 550 रुपये और बोरी का 1350, जिस प्रकार से 1900 रुपये में वो बोरी विक्रय की जा रही थी। दुकानदार को समझाइश दी गई है, किसान को समझा करके ही उसको किसी भी प्रकार की सामग्री का विक्रय किया जाए, बिना किसान की सहमति के विक्रय ना किया जाए। साथ ही यहाँ जो खाद की मात्रा उपलब्ध है जिसमें एनपीके है, तो एनपीके का भौतिक सत्यापन स्टॉक अनुरूप पाया गया। आज यहाँ 25 टन डीएपी आना बताया गया था, जिसमें भौतिक सत्यापन में 500 बोरी पाई जानी थी, जो कि मौके पर 392 पाई गई। जब दुकानदार से जानकारी ली गई तो उन्होंने इसकी ऑफलाइन विक्रय, चूँकि पॉज मशीन पे वो नहीं चढ़ी थी, तो उसका ऑफलाइन विक्रय बताया, जिसके जब दस्तावेज देखे तो लगभग 4 पाए हैं। क्या परेशानी है? श्रीवास्तव में खाद के लिए 15 दिन से घूम रहा हूँ, तेज बोलो। आज तक खाद नहीं प्राप्त हुआ, ब्लैक में बिक रहा है, जैसा ही बिक रहा है मुझे नहीं मिला। डेली आता है खाद, डेली बढ़ता है, मुझे नहीं मिला। क्या कारण से नहीं मिल पा रहा था? शॉर्टेज है बोल रहे हैं, माल ही नहीं आ रहा, कहीं माल आ गया तो मशीन पे नहीं चढ़ा, दो दिन बाद आना, दो दिन बाद मिलेगा। सुबह तो पता चल रहा है बढ़ रहा है खाद, मैं आया तो मुझे खाद नहीं मिला, दुकान बंद करके चले जाते। किसानों का आरोप है कि 1100 रुपये की 1800 बोरी मिल रही है, 1350 रुपये प्रिंट है बोरी पे, 1950 रुपये बता रहा है, वो दे रहा है 1950। ये कौन सी दुकान का मामला? दुकान में कई दुकानों पे जा चुका, सब एक ही रेट बता रहा है। इस दुकान पे आप आए तो इस पे कितना? इस पे भी 1950 ही बताया। जब कार्रवाई हुई, अधिकारी आए तो बोले ये एक पैकेट अलग से दे रहा है, उस पर 550 रुपये प्रिंट है। समय पे अगर खाद नहीं मिल पाई तो क्या परेशानी होगी? समय पे खाद नहीं मिला तो जमीन बोने से कोई मतलब नहीं है, फसल होगी नहीं, लागत किसान की वही लगेगी। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए सीआईडी न्यूज के साथ।